सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। जी प्रभु जी। सबसे पहले हमारे जो व्यूवर्स हैं आप उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सभी किसान भाइयों को और व्यूवर्स को मैं अरुण कुमार नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। प्रवेश जी का भी स्वागत है इंडियन पिग फार्म मेंटेनिंग सेंटर पर। जी प्रवेश जी। तो अरुण जी अपना इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, किस तरह से आपने शुरुआत की, आपकी जर्नी की जो शुरुआत है जी वो कैसे हुई? दोस्तों कोविड से पहले मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी और मेरे को पता चला कि पिग फार्मिंग भी एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसके बारे में काफ़ी पढ़ाई की, उसके बारे में पता किया किस तरह से आपको पिग फार्मिंग करनी है, किस तरह से आप पिग फार्मिंग कर सकते हो। तो मैंने 2018 के लास्ट में पिग फार्मिंग की शुरुआत की थी। इस तरह से मेरी धीरे धीरे पिग फार्मिंग की शुरुआत हुई। तो जब आपने काम स्टार्ट किया तो सर आपने कैसे शुरुआत की, कितने मतलब रिसर्च क्या रही आपकी, क्योंकि इस पर रिसर्च करना बड़ा इम्पोर्टेंट। जी बिना जानकारी के आप कोई भी काम करें बहुत ही खतरनाक होता है। और पिग फार्मिंग के बारे में सबसे पहले बेसिक शुरुआत तो मैंने गूगल महाराज से की, इंटरनेट से मुझे काफ़ी नॉलेज इसके बारे में मिली। इसके बाद मैंने इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग ली, KVK तेपला अम्बाला से मैंने 21 दिन का ट्रेनिंग कोर्स किया इसके बारे में। उसके बाद मैंने पिग फार्मिंग में आगे पैर बढ़ाने की सोची। तो जब आपने स्टार्ट किया तो कितने एनिमल से आपने स्टार्ट किया था सर? मैंने 60 नॉन प्रेग्नेंट फीमेल से शुरू की थी, साथ में मैंने 4 बोर भी लिए थे उनको प्रेग्नेंट कराने के लिए। अलग अलग एज के लिए मैंने अलग अलग बोर्स के अरेंजमेंट किया था, सारे बोर मैं अलग अलग जगह से लेके आया था और 60 फीमेल्स को मैंने अपने सामने अपने फार्म पे क्रॉस कराया था। जब आपने 2018 में काम स्टार्ट किया जी तो मन में क्या कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको चला पाऊंगा या कहीं शंका थी? जो देख लेते हैं जो होगा देखा जाए। शंका थी प्रवेश जी फार्मिंग शुरू करने से पहले, उसी शंका को दूर करने के लिए मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर ट्रेनिंग की और जब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं फार्मिंग में आगे सफल हो सकता हूँ उसके बाद ही मैंने इसके ऊपर कदम बढ़ाया आगे। कैसा काम है सर, मतलब अगर देखा जाए तो? देखिए सर काम कोई बुरा नहीं होता और पिग फार्मिंग केवल आज के समय में नाम नाम हो रहा है, काम बुरा नहीं है। आराम से आप अगर ड्राई फीड पे भी अपने फार्म को चला रहे हो आपका फार्म बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, बीमारियां कम आएगी और उसमें भी आप 25-30% तक का प्रॉफिट आराम से जनरेट कर सकते हैं। सर ये बताइए जब आपने फार्म अपना स्टार्ट करा जी तो लोगों के बड़े डाउट होते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल से करें जी या खुद ही अपने फार्म पे लेके प्रेग्नेंट कराएं जी जी, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रवेश जी जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने 4 साल में महसूस किया है, प्रेग्नेंट फीमेल से भी आप शुरुआत कर सकते हो, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल से शुरुआत करने में जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये रहता है, आप 400-500 किलोमीटर दूर से या कितने कोई भी डिस्टेंस हो आप वहाँ से फीमेल को लेके आ रहे हैं तो रस्ते में फीमेल एक दूसरे के साथ लड़ सकती हैं, पेट पे हुड मार सकती है, आप जैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो फीमेल ट्रांसपोर्ट करते हुए गिर गई तो उसके बहुत से खामियाजे एक फार्मर भाई को भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि फीमेल अर्ली डिलीवरी कर सकती है, नॉन मैच्योर पिगलेट्स को जन्म दे सकते हैं और आपकी डिलीवरी ख़राब हो सकती है, फार्मर भाइयों का नुकसान हो सकता है। दूसरा जब आप सिलेक्शन करते हो एनिमल का तो प्रेग्नेंट फीमेल में आपको बहुत ही कम चॉइस मिलेंगी, बहुत ही कम फीमेल्स आपको देखने को मिलेंगी कि आपका ये बिका हुआ है, ये बिका हुआ है, ये बिका हुआ है। फिर दूसरा फार्मर भाइयों की तरफ से भी रेस्पॉन्स क्या होता है कि जो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता नए फार्मर भाई को वो फीमेल उस तरफ वो सेल की तरफ कर देते हैं। दूसरा नॉन प्रेग्नेंट फीमेल अगर आप लेते हो तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको नंबर ऑफ एनिमल्स ज़्यादा मिलेंगे सिलेक्शन करने के लिए। आप बढ़िया से बढ़िया गिल्ड का चुनाव करें, अपने फार्म के लिए अच्छे बोर का चुनाव करें, अपने सामने क्रॉस कराएं, उसकी एक पूरी मेडिकल हिस्ट्री आपके पास होगी जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल से आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक अच्छी शुरुआत है। सर काफ़ी सारे फार्मर भाई के क्वेश्चंस होते हैं कि मार्केटिंग की इसमें कोई समस्या है, अपने माल कहाँ बेचेंगे? मार्केटिंग की इसमें कोई समस्या नहीं है, हर जगह ट्रेडर अवेलेबल है, नहीं तो आप लोकल मंडियों में भी अपना माल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में माल है, ज़्यादा क्वांटिटी में एनिमल है तो आप अपनी गाड़ी करके भी दीमापुर ले जा सकते हैं, आसाम ले जा सकते हैं, नागालैंड ले जा सकते हैं, त्रिपुरा ले जा सकते हैं, वहाँ पर ये पिग फार्मिंग की पूरी पिग मार्केट की पूरी मार्केट अवेलेबल है। रेट क्या मिलता है सर अगर रेट की बात करें? आज के समय में जो रेट मिल रहा है हरियाणा में, मैं यहाँ की बात करूँगा, बाकी स्टेट्स में अलग अलग रेट वेरिएशन हो सकते हैं, यहाँ पे जो आज का रेट है वो 142 रुपये केजी चल रहा है यदि फार्म से आपका माल ट्रेडर उठा रहा है तो। अगर आप ट्रेडर की जगह पे माल को पहुँचाते हैं तो लगभग 3-4 रुपये एक्स्ट्रा रेट आपको मिलेगा। जी अरुण कुमार जी आपने बताया कि काम बहुत अच्छा है जी, मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है, फ्यूचर अच्छा है, जब इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं इस काम में तो फार्म क्यों बंद हो जाते हैं?
फार्म के बंद होने का जो मेन कारण है, जिसको मैं समझता हूँ प्रवेश जी, मैनेजमेंट जहाँ आपका कंट्रोल टूट जाता फार्म से, आपको नहीं पता एनिमल के टाइम पे फीड गिर रहा है, कितना फीड गिर रहा है, उसकी बॉडी की अकॉर्डिंग उसको जितना चाहिए उतना फीड गिर रहा है, मेडिसिन टाइम से हो रही है नहीं हो रही है, आपके फार्म पर सफाई के क्या अरेंजमेंट है, वैक्सीन टाइम पे हो रही है नहीं हो रही है, अगर आपका कंट्रोल फार्म पे से छूट जाता है, मैनेजमेंट ढीली पड़ जाती है, तो वो पिग फार्मिंग के फेल होने का सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ। कोई ऐसा कि माल ना बिकना या किसी और कोई रीज़न से कोई फार्म ऐसा बंद होना, कोई आपकी माल ना बिकने के रीज़न से आज तक कोई फार्म बंद नहीं हुआ, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमिंग मीट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इस मीट की प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि हम उसको पूरी कर सकें, तो किसी चीज़ की अगर मार्केट में कमी होगी तो उसका रेट भी अच्छा होगा और उसको बिकने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मार्केटिंग कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि जिसकी वजह से पिग फार्मिंग बंद हो रही हो, ये सारा मैनेजमेंट का खेल है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपके पास टीम अच्छी है, आपके पास एनिमल अच्छे है, ब्रीड अच्छी है, तो आपकी कामयाबी के राह में कोई रोड़ा नहीं है। फ्यूचर कैसा देखते हैं सर आप पिग फार्मिंग का इंडिया में? पिग फार्मिंग में फ्यूचर बहुत ब्राइट है आज के समय में, और इंडिया में भी नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिससे आप अपने पिग फार्मिंग को और सुधार कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं जी। कितने एनिमल हैं सर अभी टोटल अगर बात करें तो? अभी मेरे पास लगभग 600 के करीब एनिमल है। और कितनों से शुरुआत करी थी आपने? मैंने 60 नॉन प्रेगनेंट फीमेल से शुरुआत की थी। एनिमल ऑफ नंबर हमारे फार्म पे घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे हेल्थी मौसम आता है हम अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, फीमेल्स की गिनती बढ़ाना शुरू करते हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर के करीब डिलीवरी दे दे और मार्च अप्रैल में हमारा जो माल है वो बिकने के लिए तैयार हो जाए, ताकि गर्मी के सीजन में मोर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, परेशान रहता है जानवर, तो उस समय में हम अपनी प्रोडक्शन थोड़ी धीमी कर देते हैं। सर अगर एक फीमेल या मेल की बात करें जी, तैयार होने में क्या खर्चा आता है और कितना उससे मुनाफा हो जाता है? आज के समय में जैसे कि फीड कॉस्टिंग बढ़ी हुई है, आज के समय में एक एनिमल जो हमारे फार्म का रेशियो है लगभग 9,000 रुपये के आसपास का फीड खा जाता है, साथ में 1,000 रुपये उसके रख रखाव, बिजली का खर्चा, मेडिसिन वगैरह उसमें भी आता है, तो लगभग 9,500 से लेकर 10,000 रुपये के बीच में एक एनिमल हमारा आज के समय में तैयार हो रहा है। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जो ट्रेनिंग इसमें लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो ट्रेनिंग में कौन सी बातें हैं जो जरूर सीखनी चाहिए फार्मर को ताकि नुकसान ना हो फ्यूचर में? जी प्रवेश जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। प्रवेश जी बिना नॉलेज के तो आप एक परचून की दुकान भी नहीं खोल सकते, अगर आपके पास उसके डाटा ही नहीं होगे, नॉलेज ही नहीं होगी कैसे दाल बेचो, कैसे नमक बेचो, कैसे आटा बेचो, तो आप एक किराना स्टोर भी नहीं चला सकते। ये तो पिग फार्मिंग है। पिग फार्मिंग में नंबर्स ऑफ एनिमल कम होते हैं लेकिन उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अगर 5 एनिमल से भी आप शुरुआत करते हैं तो उसका खर्चा भी लगभग 4 से 5 लाख रुपए आपको शुरू में लगाने पड़ते हैं, जब जाके 5 एनिमल से आपकी फार्मिंग शुरू होती है। तो अगर आपको पिग फार्मिंग अच्छी तरह से करनी है तो आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद इसके लिए ट्रेनिंग ली थी केपीके तेपला अंबाला से, मैंने इसके लिए 21 दिन का प्रॉपर कोर्स किया था, उसके बाद भी मैं एक दो फार्म थे जिनके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल सेशंस भी किए, तो बिना ट्रेनिंग के ये करना एक कुएं में कूदने जैसा है, क्योंकि फार्मर भाई अपनी कीमती मेहनत के पैसे को इसके ऊपर लगाते हैं और बिना जानकारी के कारण अगर आपके एनिमल्स की मोर्टलिटी होती है तो वो कहीं ना कहीं फार्मर को डीमोटिवेट कर रहा है, करता है कि ये मैंने क्या काम कर लिया। सर अगर कोई युवा को स्टार्ट करना चाहता है जी, उसको कितने एनिमल से स्टार्ट करना चाहिए फार्म, 10 से करे 5 से करे या 2 से करे या 20 से करे? परवेश जी इस पिग फार्मिंग को आप 2 एनिमल से लेके कितने भी बड़े स्तर पर कर सकते हो, अगर आपके पास बजट है तो आप कम से शुरुआत करें, धीरे धीरे इस फार्मिंग को बढ़ाएं। एक एनिमल की जो एवरेज है लगभग 7 से 8 एनिमल की विनिंग के टाइम पे आ जाती है, तो एक ही साल में आप 2 एनिमल से 20 एनिमल पे पहुंच जाते हैं, तो उसी एनिमल से आप अपने पास रख के उस फार्मिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास पैसा है, आपके पास इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बड़े स्तर पर भी इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको पिग फार्मिंग की पूरी जानकारी होना जरूरी है। सर एक मोटा मोटा गणित समझाइए कि अगर कोई 10 एनिमल से स्टार्ट करता है फार्म, कितना खर्चा आएगा शेड को छोड़ के जी, और कितनी लागत आएगी, क्या उससे मुनाफा सब हो जाएगा उसको? एक फीमेल की पूरी लाइफ सर्कल 1 साल की, प्लस जो उसके बच्चे वो प्रोड्यूस करती है उनको 0 से लेके 100 kg तक का होने में जो एक फीमेल का खर्चा आएगा वो लगभग 80,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक आ सकता है। उसके बाद जो आपका उसमें प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं वो लगभग 25 से 30% का इजीली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अगर आप ड्राई फीड पे भी काम कर रहे हैं, अगर आप खुद का अपना फीड बनाएंगे तो उसमें और भी इजाफा हो सकता है। मुनाफा कितना हो जाता है सर आपको?
सर मेरे को आज के समय में लगभग 30% के आसपास मैं प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ अपने सारे खर्चे निकाल के। मेरे पास तकरीबन 800 एनिमल मेरे कटिंग के निकल जाते हैं पूरे साल के अंदर, और उसके अलावा जो फीमेल्स मेरी फार्म वाई लेके जाते हैं, जो अपने फार्म के लिए नया फार्म खोलना चाह रहे हैं, अपने फार्म के लिए गिल्ट लेके जाना चाह रहे हैं, वो मेरे अलग से सेल हो जाते हैं। अच्छा खासा मुनाफा, मतलब जी ठीक ठाक दिनचर्या चल जाती है। बहुत बढ़िया सर, सब्सिडी वगैरह से मिलती है क्या? यही बड़ा क्वेश्चन आता है कि लोन कैसे मिले सर? लोन के लिए प्रवेश जी, इसमें बैंकों की अलग अलग स्कीमें आती है, जैसे हरियाणा के अंदर अलग स्कीम आती है, नबार्ड की जो सेंटर से स्कीम आती है, नबार्ड के थ्रू भी आपको इसमें लोन प्रोवाइड हो जाता है। उसके अंदर जो हमारे SC ST भाई होते हैं जो इस फार्मिंग से जुड़े होते हैं, उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट है, लगभग 35% तक की रिबेट उनको लोन में मिल जाती है। अगर जनरल कैटेगरी वाला भी लोन इसमें अप्लाई करता है तो लगभग 30% के आसपास उसको भी सब्सिडी मिलती है, मिल जाता है लोन जी। मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पर आपने टैगिंग सिस्टम किया हुआ है जी, क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, ऐसा क्यों करें इसको? सर टैगिंग करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, आप अपने एनिमल का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। आपने अगर किसी एनिमल को टैग लगा दिया, मान लीजिए एक तरह का उसका आधार कार्ड बन गया, उसी टैग नंबर को फॉलो करते हुए आपने कब उसको आयरन शोट देने है, कब आपको बी कॉम्प्लेक्स देने है, कब उसकी डीवर्मिंग हुई है, अगर वो एनिमल बीमार हुआ है तो उसकी क्या क्या मेडिसिन चली है, उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री आपके पास होगी अगर उसको आपने टैगिंग कर रखी है तो। कौन सी ब्रीड है सर आपके पास? मेरे पास अभी 3 ब्रीड अवेलेबल हैं, इसमें लाज वाइट यॉर्कशायर है, साथ में लैंडरेज है और ड्यूरोक है। शेड का क्या एरिया है सर आपका? मेरे ये 3 शेड बने हुए हैं, तीनों का अलग अलग एरिया है, एक 34x185 है, एक 34x175 है, एक 165 है। अगर किसी के पास बजट नहीं है सर इतना, तो शेड किस तरह से अपनी बना सकता है कम खर्च में? हो शेड के ऊपर हर फार्म भाई का अलग बजट होता है, अलग अपेक्षाएं होती है उसमें क्या क्या करें। सिर्फ वाटर मैनेजमेंट को छोड़ के आप कहीं भी कोस्ट कटिंग कर सकते हो, दीवारों की जगह आप रेलिंग का चुनाव कर सकते हैं, सीमेंटेड शीट की जगह आजकल राजस्थान की तरफ जो होता है बल्लियों वाली छत लगा देते हैं छप्पर डाल के, तो आप इस तरह से कोस्ट कटिंग कर सकते हो, अपने फार्म को कम पैसे में मैनेज कर सकते हैं। एक वाटर मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको कोस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एनिमल का जो स्वभाव है, नेचर है, ऐसा होता है खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए, खाने के लिए उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो वाटर मैनेजमेंट के ऊपर आप कोई भी कोताही ना बरतें, उसके ऊपर आप अच्छी तरह से मैनेजमेंट करें। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर अपने अगर किसी के पास 10 लाख का बजट है, 15 लाख का बजट है, अपने बजट को किस तरह से डिवाइड करें ताकि वो एंड तक अपने बजट को बचा सके पैसे को? देखिए इसमें डिवाइड करने के लिए इसको 3 सेक्शंस में हम बांट सकते हैं। एक सेक्शंस में आप एनिमल्स के लिए पैसा रख सकते हैं, दूसरे सेक्शन में आप फीड के लिए पैसा रख सकते हैं, और तीसरे सेक्शन में आप अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा रख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में पैसा आप उस हिसाब किताब से लगाएं कि अंत में आपके पास फीड की कमी की वजह से आपको जानवर ना बेचने पड़े, तो वो हर फार्मर भाई का कॉस्टिंग अलग अलग आती है, कंस्ट्रक्शन अलग अलग होती है, एनिमल का रख रखाव अलग अलग होता है, तो अगर आप सारी चीज़ें अच्छी तरह से करेंगे तो आप पिग फार्मिंग में कामयाब होने में कोई परेशानी नहीं है। आप हमारे युवा भाई को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? आप देखिए सर, युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आज के समय में नौकरियाँ बहुत कम हो गई हैं, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, तो पिग फार्मिंग कोई बुरा व्यवसाय नहीं है, आप पिग फार्मिंग कर सकते हो। इसको पढ़ा लिखा युवा भी कर सकता है और जो कम पढ़े लिखे युवा वो भी कर सकते हैं। पिग फार्मिंग है ऐसी फार्मिंग नहीं है कि इसको हाईली एजुकेटेड बंदा चाहिए, वो अच्छी बात है, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो आप ज़्यादा इसके बारे में समझ पाएंगे, ज़्यादा जल्दी इसको कैच कर पाएंगे, लेकिन जो कम पढ़े हुए हमारे फार्म भाई या युवा हैं वो भी इस फार्मिंग को आराम से कर सकते हैं, और जो हाईली एजुकेटेड पर्सन है वो तो आराम से इसको चला ही सकते हैं। धन्यवाद अरुण जी, आपके जो विचार थे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। और सर अपना आपके जो चैनल है उसके बारे में थोड़ा एक बार बता दीजिए ताकि आपके जुड़े रहें लोग, अपडेट लेते रहें। बिल्कुल दोस्तों, फार्म भाई, मेरा नाम अरुण कुमार है और मेरे YouTube चैनल कलाम इंडियन पिग फार्म है। मेरे यहाँ पे पिग फार्म के रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, जो कि 5 डे ट्रेनिंग रहती है, इसमें आपके रहने की सुविधाएं, खाने की सुविधाएं सभी मेरे फार्म हाउस पर रहते हैं, साथ में आपके 5 दिन के प्रैक्टिकल सेशन यहीं पर रहेंगे, जिसमें थ्योरेटिकल सेशन भी होंगे, प्रैक्टिकल सेशन भी होंगे। एनिमल के जन्म लेने से लेके एनिमल के 100 kg तक के होने में जितने भी प्रैक्टिकल सेशन होते हैं हम सभी फार्म भाई को यहाँ पे कराते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा प्रयास, अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो और सर के द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।